लेके जा रहे हैं संगठन। हमारी कोशिश यह है कि हम तमाम सवालों को इकट्ठा करके तमाम दलित संगठनों को एकजुट ला करके एक व्यापक में पहने इनकी एकता बनाकर इनकी लड़ाइयों को लड़ा जाए। अगर हम इस लड़ाई को लेके चलेंगे तभी इनका उद्धार होगा, नहीं तो पहचान की जो राजनीति है वोट बैंक बन के रह जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मिशन को लेके हम जो चलेंगे उसके अंदर हम कामयाब होंगे। कॉमरेड नत्थू जी, जो ये मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है या पेरियार रामास्वामी की है और भी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, इनका क्या एक मकसद है? जब ये मूर्तियों से ये इतना घबराए हुए हैं तो आम जिंदा मनुष्य से कितना घबराएंगे? देखिए, एक बात यह है कि भगत सिंह जो है उन्होंने जब फांसी से जाने से पहले लेनिन को पढ़ा और आज परसों 23 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तमाम भारत की जो सरकारें जो दिल्ली चल रही हैं भाजपा की, वो सब भगत सिंह के गुणगान करेंगी, जबकि भगत सिंह ने लेनिन को ही पढ़ा, प्रेरणा वहाँ से मिली, अक्टूबर क्रांति से। तो ये मूर्तियाँ तोड़ने का जो सिलसिला जो चल रहा है, ये लोगों का ध्यान हटे और नई आर्थिक नीतियाँ और वैश्वीकरण के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है और जो इन्होंने 4 साल पहले जो स्लोगन दिए, वादे किए, उनसे हटा करके लोगों को इन चीज़ों के अंदर उलझाना चाहते हैं। इनका मेन मकसद है कि ये समाज डिवाइडेड रहे और हम रूल करते रहे। कॉमरेड नत्थू जी, अभी जो 2-3 सीटें जो ये हारे हैं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कल मशीनों का जो मसला था बहुत गरमाया था, लेकिन अब क्या ये मशीनों का मसला ये ऐसे गरमाएगा या मसला इसी तरीके रहेगा? देखिए, हमारी मशीन तो जनता है जी, उसको ये तय करना है कि हमें वोट जो देना है हमें किसको, और हम संघर्षों का है और विरोधी तमाम जो नीतियां हैं उसका ये एक गुस्सा देखने को मिला है। कोई कम्बिनेशन, कोई रिलीजियस का कम्बिनेशन काम नहीं आया उसका, और ये सरकार 2 उपचुनाव के अंदर बुरी तरह हारी है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बाहर आए। सर, अगर अब चुनाव होता है 2019 के अंदर तो आपकी राय क्या है, व्यक्तिगत राय क्या है कि आप मशीनों से कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के अलावा बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जहाँ से ये प्रेरणा लेकर आते हैं वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो बैलेट से करवाया जाए, उसमें क्या बात है। बैलेट से भी पहले सरकारें बनी, इनकी भी बनी थी, कांग्रेस की भी बनी, दोनों बुर्जुआ पार्टियों की बनी है, तो घबराने की क्या जरूरत है, आना चाहिए, बैलेट भी आ जाए, कोई ऐसी बात।